नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। कोरोना काल है, बरसात का समय है, देखा जाता है कि अक्सर लोग खांसी, सर्दी और जुखाम से पीड़ित होते हैं, जिसके कारण गला में दर्द और कफ की समस्या हो जाती है, कफ बढ़ जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। आइए इसे किस प्रकार से ठीक किया जाए इसके संदर्भ में चर्चा करना है। ऐसे तो लोग डॉक्टर की सलाह लेते हैं, लेकिन अगर घरेलू उपचार किया जाए तो इससे काफ़ी राहत होगी। सर्वप्रथम किसी बर्तन में एक गिलास पानी को खौलाना पड़ता है। पानी खौलने के पश्चात उसमें आधा चम्मच हल्दी दिया जाता है और जब थोड़ा पक जाता है तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर गर्म किया जाता है। इसके पश्चात उसमें थोड़ा सा घी देकर खौलाया जाता है और जब पूर्ण रूप से खौल जाता है तो उसे ग्लास में छान लिया जाता है। छानने के पश्चात आधा नींबू का टुकड़ा लेकर उसमें रस मिलाया जाता है और जब यह काढ़ा तैयार हो जाता है, गुनगुना रहता है, तो सुबह और शाम इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करीब एक सप्ताह तक करने के बाद जो गला में खराश है, कफ है, वह पिघलने लगता है और जो इससे प्रभावित होते हैं वह स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।